स्टूडेंट्स कैसे हैं सब बेटा। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था बेटा, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नीड है, क्या यूजेस हैं, प्रोसेस है, वो हमने कवर कर लिया था। टाइप्स कवर कर ली थी, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं ट्रेनिंग के। आज हम कर रही हैं इवेल्युएशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वो लगाया, उसे ट्रेनिंग दे भी दी इम्प्लॉयज़ को, तो उसके बाद उसको इवेल्युएट करना कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैसा रहा, कैसा कितना सक्सेसफुल रहा, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तब बहुत सारा पैसा कंपनीज हैं जो स्पेंड कर देती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट किया जाए कि कितना सक्सेसफुल है जो रहा है। विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वो डिटर्न किए जाती हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन राइटली डिफाइंड एज एनी अटैम्प्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड टू असेस द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग इन द लाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। के कौन इंफॉर्मेशन लेना कि कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हुई है और ट्रेनिंग देने के साथ क्या चेंजेस हैं, जो क्या वैल्यू है जो इंक्रीज हुई है। तो इवेल्यूएशन की जो ट्रेनिंग इवेल्यूएशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग्स टू परफॉर्म द जॉब में कितना चेंज आया है। सेकेंड, टू डिटरमिन द स्पेसिफिक नेचर ऑफ ट्रेनिंग डेफिशिएंसी, अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं तो उसको डिफाइन करना, डिटरमिन करना। थर्ड, वेदर द ट्रेनिंग रिक्वायर एनी एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है उसको जॉब के लिए। और टू डिटरमिन द एक्सटेंड ऑफ ट्रेनिंग नॉट नीडेड बाय द पार्टिसिपेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं जिनको और ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की। एंड टू डिटरमिन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है प्रोग्राम की, जो हमने पैसा खर्च किया ट्रेनिंग पे वो वर्थ रहा या नहीं रहा। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन प्रोग्राम। सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने हैं इवेल्युएशन के टाइम पे, कि इवेल्युएट मस्ट क्लियर अबाउट कि गोल और पर्पस क्या है उस इवेल्युएशन का। सेकंड, इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूसली करते रहना चाहिए। इवेल्युएशन है जो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग अलग होनी चाहिए। इवेल्युएशन शुड ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स एंड फोकस फॉर द ट्रेनर्स टू अप्रेज देमसेल्व्स कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कितनी सक्सेसफुल रही जो ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट, इवेल्युएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो रखे थे उसके अकॉर्डिंग हुई है या नहीं उसको ध्यान में रखना चाहिए। रियलिस्टिक टारगेट डेट्स मस्ट बी सेट फॉर ईच फेज ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस, ताकि कितने देर तक हम उस डेडलाइन में कितनी इवेल्युएशन है जो करनी है। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपके पास हैं क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन, किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एम्बलिन है जो है उसने 5 क्राइटेरियाज दिए हैं। फर्स्ट है रिएक्शन, तो इवेल्युएट करने के लिए इवेल्युएट द ट्रेनीज रिएक्शन टू द प्रोग्राम, पोटेंशियल क्वेश्चन टू ट्रेनीज पूछे जा सकते हैं, ताकि जिससे उसका ट्रेनिंग का जो है उसका रिएक्शन कैसा है उसके बारे में। व्हाट वर द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम, जो आपको कराया गया उसके गोल्स क्या थे, डिड यू अचीव देम, क्या आपने उन गोल को पूरा किया, डिड यू लाइक द प्रोग्राम, और वुड यू रिकमेंड द इसके सिमिलर टर्न, और क्या गोल हो सकते हैं, कोई सजेशंस आप इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए देना चाहते हो, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग। सेकेंड जो है दैट इज़ क्राइटेरिया, एक तो आपने उसका रिएक्शन पूछने हैं, दूसरा जो है आपका लर्निंग कितनी हुई, डिड द ट्रेनी लर्न द स्किल्स प्रिंसिपल्स जो हम उसको सिखाना चाहते थे, क्या उसने एक्चुअली में वो सीखे हैं, कितना टाइम उसने उसको सीखने में लिया है, कितनी क्वांटिटी वो सीख पाया है उसमें, उसके बारे में। थर्ड, जॉब बिहेवियर, वेदर द ट्रेनिंग का जो बिहेवियर है ऑन द जॉब वो पहले से चेंज हुआ है या नहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, द इवेल्युएशन मेजर द यूज़ ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग एंड चेंज इन द जॉब बिहेवियर ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में, मॉरल में, सेल टर्नओवर में कितना इंक्रीज आया है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग आगे से ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लगाई जा सके, उसको सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में उसमें कितनी चेंज आई है। नेक्स्ट, अल्टीमेट वैल्यू, ठीक है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कितना उसने गोल्स को अचीव किया कंपनी में, चाहे कंपनी का गोल सर्वाइवल का था, मतलब कंपनी लॉसेस में जा रही थी सर्वाइव करने के लिए लड़ रही थी, या ग्रोथ के लिए, या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर ली, कि तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कितना मीट कर पाए हैं। तो ये थे क्राइटेरिया जिनके ऊपर इवेल्युएशन की
जा सकती है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन दे रखी हैं, अलग अलग तरह की इवेल्यूएशन टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप टाइप्स। तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप टाइप्स क्या हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक ग्रुप वो रहता है जिस पे कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लगाया जाता, और दूसरा वो होता है जिन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया गया है। तो उन दोनों के जो है मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि उनमें जिनको जिन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया है उनमें क्या चेंज आई है, कितनी चेंज आई है, या उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी चेंज हुई है, और जिन पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लगाया गया उनमें कितनी चेंज आई है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स इवेल्युएशन सिस्टम। तो उससे आप लगा सकते हो कि कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल रहा जा नहीं रहा। सेकेंड जो आपके पास टाइप है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल और टाइम सीरीज एनालिसिस है। इन दिस टेक्नीक्स ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ली जाती हैं बिफोर द प्रोग्राम जब शुरू होती है, एंड कॉन्टिन्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, एंड जब प्रोग्राम कम्प्लीट हो जाता है आफ्टर द प्रोग्राम, तो चीज़ों को मेज़र किया जाता है। द रिजल्ट्स जो होते हैं उनको ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कितनी चेंज आई है पहले, बीच में, दौरान द ट्रेनिंग के, और बाद में ट्रेनिंग में, तो उनके एटीट्यूड में कितना चेंज या बिहेवियर में या प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया उसको मेज़र किया जाता है। थर्ड मेथड है क्वेश्चनियर्स एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। क्वेश्चनियर्स एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में क्या है, क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया जाता है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर की जाती हैं। इमीडिएट जो सुपरवाइज़र ऑफ द ट्रेनिंग्स है तो उनसे कहा जाता है, द सुपरवाइज़र इज़ आस्क्ड टू रेट द फॉर्मर ट्रेनिंग जो है वो पहले से अब जो है उसमें कितनी चेंज आई है उसके बारे में उसकी जो है क्वेश्चन रहे जो उसका जवाब दे। उसमें अलग अलग स्केल बना लिए जाती हैं जैसे कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, न्यूट्रल, ऐसे इस तरह से। तो उनके उनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और उससे इवेल्युएट किया जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस जो इवेल्युएशन प्रोग्राम है उसमें एक्चुअली देखा जाता है कि जो हमने कॉस्ट खर्च की पी उन पे जो एफर्ट्स लगाई उसका रिटर्न हमें कितना है, तो उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स को अलग से मेज़र किया जाता है। तो देखिए इसमें कॉस्ट क्या देखेगा, असेसमेंट कॉस्ट कितनी है, इम्प्रूवमेंट इन द कॉस्ट में देख लेते हैं पहले असेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी, सैलरीज ऑफ द ट्रेनिंग स्टाफ जिसने ट्रेनिंग की है दी है, परचेजेस ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स जो खरीदने पड़े प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जितनी कॉस्ट लगानी पड़ी उसको इवेल्युएट करने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, एंड ट्रेनर्स कॉस्ट एंड ट्रेनिंग विच, जो ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनर आया उसके और ट्रेनर जिसने ली है ट्रेनिंग के दौरान जो उसको सैलरी हमने पे किया वो, तो वो सारी कॉस्ट होगी। बेनिफिट्स क्या हुए, इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग्स की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आई हैं, लॉन्गेविटी ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच द बेनिफिट्स, कितने लंबे तक समय तक इस एम्प्लॉई से ये बेनिफिट्स हैं हम ले पाएंगे जो उन्हें हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो दिया है। तो इस तरह से आप उसकी कॉस्ट और बेनिफिट्स से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग द ट्रेनिंग इवेल्युएशन। प्लान करके चलना चाहिए, किस लिए इवेल्युएशन करनी है, कौन करेगा वो इवेल्युएशन को, पर्पस क्या होगा इवेल्युएशन को, हमने मेज़र क्या करना है, इवेल्युएशन जो है उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सोर्सेज ऑफ डाटा कहाँ से होंगे, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको डाटा को एनालाइज कैसे करना है और रिपोर्टिंग उसकी कैसे करनी है, ये सारा प्लानिंग की जाती है ट्रेनिंग इवेल्युएशन से पहले। नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग है जो गिवन है। फर्स्ट है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेना चाहिए कि ट्रेनिंग देने के स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है क्या, किस पर्पस के लिए ट्रेनिंग है जो दी जा रही है। दिस विल हेल्प इन डिसाइडिंग अबाउट द टाइप ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ इम्प्लॉयज़ शुड बी डिसाइड किए जाने चाहिए कि कितना चेंज उसमें आए हम उससे मेज़र करेंगे। तो जो ट्रेनिंग है उसके लिए सबसे पहले आपको पर्पस या ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम उसको ट्रेन जो दे रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल कंसिड्रेशन। ऑल इंडिविजुअल डू नॉट हैव द सेम एप्टीट्यूड और बैकग्राउंड, उसकी जो एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हर पर्सन जो है उसकी बेसिक नीड्स कैसी हैं, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उनको देख के डिसाइड करना चाहिए कि इस बंदे को कितने लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इंडिविजुअल कंसिड्रेशंस हैं जो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन टू ट्रेनिंग्स। तो जो ट्रेनिंग्स जिनको देनी है ट्रेनिंग
उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए कि यू आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, हम चाहते हैं आप लंबे समय से जुड़े रहो, इसलिए आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आपको कंपनी के बारे में अवेयर कराया जा सके। तो इससे क्या होंगे, वो मोटिवेशन उनको मिलेगी। तो ट्रेनिंग से पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग। जो उनकी पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है या कहीं वो काम कर चुके हैं, तो हमें उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह की करनी चाहिए ताकि उसको उसकी जो पहले की बेसिक ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड जो है, उसकी भी हेल्प है जो उसको मिल सके। तो उसको आपको फर्दर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ट्रेनिंग प्रोसेस है जो आपका वो प्रोग्राम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और बेनिफिशियल भी रहे कंपनी के लिए। नेक्स्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस। जो कंडीशन कैसी हैं किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड कर सकता है और कितने एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि उसका बजट, उसकी कंपनी का स्ट्रक्चर, उसकी कंडीशन, उन पर भी डिपेंड है जो करता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेनीज। जो ट्रेनीज हैं उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ट्रेनिंग में, ताकि वो ट्रेनिंग को सिर्फ सुने ही ना, उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर सकें। तो कैसे, प्रैक्टिस कर करके बार बार उन चीज़ों को वो देख सकती हैं कि ये उनके पास होना चाहिए ताकि वो इन्वॉल्व हो सकें उस ट्रेनिंग प्रोसेस में। प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर है जिसने गाइड करना है उनको, जो ट्रेनर है जिसने उनको ट्रेनिंग देनी है, वो भी पूरा नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, गुड टीचर, गुड मेंटर वो होना चाहिए, तभी वो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन है फीडबैक। तो जिसको भी आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, द ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद फीडबैक कि आपकी परफॉर्मेंस में इतना चेंज आया, उसको भी देना है हमने। जो ट्रेनिंग है जिन्होंने सीख लिया कुछ, तो उनको मेज़र करके, इवेल्युएट करके हमें उन्हें फीडबैक देना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस में इस ट्रेनिंग के बाद इतनी चेंज आई है। तो इसलिए वो मोटिवेट होंगे, अगली बार भी अगर हम उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहेंगे तो उनसे उनमें मोटिवेशन आएगी और जो उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उनको फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेनिंग दी उनको तो उन्होंने सुन लिया और वो काम को अच्छे से कर लेंगे, उनको पूरी प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकली उसको करने का, रिपीटेडली करने का मौका है जो मिलना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस करके उस काम को उसमें परफेक्ट है जो हो सके। लास्ट वन इज़ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो यूज़ करने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीट करते हों, उस पर्सन की इंडिविजुअल नीड से मीट करते हों, ठीक है। तो एक्चुअल जो जॉब इन्वायरमेंट जिसने उसने काम करना है उनसे मैच करते हों, वही एप टेक्निक्स हमको ट्रेनिंग की है जो यूज़ करनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करने के लिए। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, जिनको बातों को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लाई करते वक्त। ये तो बेटा था हमारा ओवरऑल ट्रेनिंग का टॉपिक। एक टॉपिक आपके पास पूरे चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, वैसे तो साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ले लिया जाता है वर्ड, लेकिन द मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो हमारी अनस्किल्ड और मीडियम स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, अनस्किल्ड और मीडियम स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और जो हमारे हायर लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव लेवल हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। देयर डेवलपमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर हैं उनको कैसे डिवेल्प किया जाए। तो जो हमारी द ड्रामेस्टिकल चेंज जो हुई है मैनेजमेंट डेवलपमेंट में, उसको हम मैनेजमेंट रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हैं जो हो गई हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द टैलेंटेड एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करती है एंड डेवलप देम टू हैव एन एडिक्वेट इन्वेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट स्किल फॉर यूज इन द फ्यूचर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंटेड बंदों को ढूंढ के मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट उनको देती है और उनको फर्दर डेवलप करती है, उनकी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है उनका जो है, उनको डेवलपमेंट करती है उनकी, ताकि फ्यूचर में उनकी इस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाया जा सके, कंपनी उसके लंबे समय तक उसका बेनिफिट है जो ले सके।
तो डेफिनेशन या डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी आप करते हो, विच एग्जीक्यूट्स लर्न टू इम्प्रूव, जिनमें उनके बिहेवियर में और उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है, उन सबको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजर्स इन देयर प्रेजेंट जॉब्स एंड टू प्रिपेयर देम फॉर द हायर जॉब्स इन फ्यूचर। जो उनकी प्रेजेंट जॉब है उनमें उसमें भी उनको काम करती है, और फ्यूचर में जो वो हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं उनमें भी उनको हेल्प करती है, तो उसको हम डिवेलपमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन दे रखी है एडविन बी फ्लिपो की, मैनेजमेंट डिवेलपमेंट जिसको डिवेलपमेंट हम बोल रहे हैं या एग्जीक्यूटिव डिवेलपमेंट भी बोल सकते हैं, इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स अक्वायर नॉट ओनली स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन देयर प्रेजेंट जॉब्स बट ऑल्सो कैपेबिलिटीज फॉर फ्यूचर मैनेजरियल टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड स्कोप। तो कहता कि जब मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, डिवेल्प किया जाता है उनकी स्किल्स को, उनकी कॉम्पिटेंसी को, ताकि वो उनकी प्रेजेंट जॉब में भी हेल्प करे, बट उसकी जो फ्यूचर में मैनेजरियल टास्क उसको मिल सकती हैं हायर लेवल की, जहाँ पे उनका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा, वहाँ भी उनको हेल्प करें, दैट इज़ कॉल्ड डिवेलपमेंट। दस एग्जीक्यूटिव डिवेलपमेंट इज़ ए प्लान्ड एफर्ट टू इम्प्रूव करंट एंड फ्यूचर मैनेजरियल परफॉर्मेंस। मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंट की और फ्यूचर की परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ कॉल्ड डिवेलपमेंट। फीचर्स दे रखी हैं डिवेलपमेंट की, डिवेलपमेंट इज़ ए प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। दूसरा, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यू चलता रहता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में। मैनेजरियल स्किल्स कैन नॉट बी डिवेल्प्ड ओवर नाइट, बहुत जल्दी या शॉर्ट टाइम में नहीं डिवेल्प की जा सकती, लंबे समय तक उनको डिवेल्प करने के लिए स्किल्स हैं जो उनके लिए प्रोग्राम्स चलाई जाती हैं। एग्जीक्यूटिव डिवेलपमेंट इज़ गाइडेड सेल्फ डिवेलपमेंट है एक तरह की, तो गाइड इस तरह से उनको किया जाता है, तो वो खुद है जो इंडिविजुअल अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनसे सीखता है। द एम ऑफ डिवेलपमेंट इज़ टू प्रिपेयर मैनेजर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, हेल्पिंग देयर करंट जॉब्स एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये था आपका डिवेलपमेंट और उसकी फीचर्स क्या हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट जो है उसके बारे में दिया है, उनका डिफरेंस भी बताया है। द प्रोसेसेस ऑफ डिवेलपमेंट एंड ट्रेनिंग आर ऑफ्टन कन्फ्यूज किए जाती हैं। ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग द बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब जो आप कर रहे हो उसको करने के लिए क्या स्किल्स और नॉलेज चाहिए, उस वो देना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। देर इज़ नो चॉइस विद द एम्प्लॉयर वेदर टू ट्रेन और नॉट, उसको ट्रेन करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने वो पर्टिकुलर काम करवाना है, तो वो काम उसको सिखाना ही पड़ेगा, तो दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंपल्सरी हो जाती है एक तरह, द ओनली चॉइस इज़ दैट मैथड है जो वो डिसाइड कर सकता है। और अगर आप बात करो डेवलपमेंट की, इट मींस सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट। उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ताकि वो अपने फ्यूचर पर कैपेबिलिटीज़ है जो उसको यूज़ कर सके। डिफरेंसेस के पॉइंट दिए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ट्रेनिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस में ज़्यादा दी जाती हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है या उस पर काम करना है, ठीक है जी। और नॉन मैनेजर्स को दी जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड है जो इसका होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो फिलॉसफी है, थ्रेटिकल एजुकेशन कंसेप्ट उनको दिए जाती हैं, मैनेजर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, ब्रॉडर एजुकेशन है उनकी, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है, शॉर्ट पीरियड में कोई डेवलपमेंट नहीं होती, इट मीन्स मैनेजरियल लेवल की है। ट्रेनिंग हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लर्न हाउ टू परफॉर्म हिज प्रेजेंट जॉब, लेकिन डेवलपमेंट जो है उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों की जॉब में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकती है। डेवलपमेंट कम्प्लीमेंट्स ट्रेनिंग बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन एक्सर्ट देयर फुल पोटेंशियल ओनली व्हेन द लर्निंग प्रोसेस गोज फार बियॉन्ड सिंपल रूटीन। ट्रेनिंग इज दस ए रिएक्टिव प्रोसेस वेयर डिवेलपमेंट इज अ प्रोएक्टिव प्रोसेस। डिवेलपमेंट इज फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड है, और जो आपकी ट्रेनिंग है वो प्रेजेंट में काम आपको आती है, प्रेजेंट स्किल्स को जॉब को करने के लिए।
तो ये था बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।